बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अज़र रब्बानी आपका अपना यूट्यूबर भाई अपनी फैमिली को एक दफ़ा फिर सलाम पेश करता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आप लोग को हंसता बसता रखे। अच्छा फ्रेंड्स, आज सैटरडे है और सुबह कोई तकरीबन 8:20 हुई हैं और आपका भाई घर से निकल पड़ा है। आज आपका भाई जा रहा है लाहौर। लाहौर क्यों जा रहा है? आज है PSL का पहला मैच, वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर का, और उसकी ओपनिंग सेरेमनी भी है। एक छोटी सी इनविटेशन मिली हुई थी तो मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ आज लाहौर के लिए निकल रहा हूँ। फ़िलहाल मैं इन ड्राइव में हूँ और ज़ीरो पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ पे आतिफ भाई और उनके दोस्त पहुँच रहे हैं, वो मुझे साथ लेंगे और फिर हम लोग वाया मोटरवे लाहौर के लिए निकल जाएंगे। तो ज़बरदस्त एक छोटा सा व्लॉग बनने लगा है, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को एंड तक देखा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। जिन भाइयों दोस्तों बहनों ने माओं ने अभी तक नहीं किया वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। एक छोटा सा आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, आप लोगों की मोहब्बत होती है हमारे लिए। और बिस्मिल्लाह करते हैं और व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। आपका भाई करीम से उतर चुका है और आतिफ भाई वगैरह का वेट है। इस वक्त मैं 0 पॉइंट के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। वो जैसे ही आते हैं उनको ज्वाइन करते हैं और लाहौर का सफ़र स्टार्ट करते हैं। और आतिफ भाई वगैरह पहुँच चुके हैं, ये पहुँच गए और हम अपना सफ़र आगे का स्टार्ट करते हैं। नहीं जी जनाब, हमने अपना सफ़र स्टार्ट कर लिया है। आतिफ भाई पीछे, उमर भाई बैठे हैं, मैं और ये, हम फिलहाल तो चारों जो हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन हमारे ये जो भाई हैं ये पिशावर जलमी के सपोर्टर हैं। फिलहाल तो हम जी सारे यूनाइटेड को सपोर्ट करेंगे और हम मोटरवे पे स्टार्ट कर लिए अपना सफर। तो फेरा जाके हम रुकेंगे और वहाँ जाके नाश्ता करेंगे, तो फिर वहाँ पे मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भेरा इंटरचेंज पे पहुँच गए हैं। आतिफ भाई, उमर भाई, जवान हमारे साथ, हम सारे अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। 15-20 मिनट कोई वाशरूम वगैरह जाते हैं, कुछ खापा शापा करते हैं और उसके बाद फिर हम भेरा से आगे सफ़र स्टार्ट करेंगे। अभी कुछ 10:30 हुई हैं, हम 12:30 तक इंशाल्लाह लाहौर पहुँच जाएँगे। अच्छा फ्रेंड्स, ब्रांड तो माशाल्लाह इधर काफ़ी सारे हैं। शिनवारी भी आपको मिल जाएगी, फिर देसी नाश्ता, पीछे पिज़्ज़ा हट भी है और मैं आपको दिखाता हूँ हार्डीज़ भी है यहाँ पे और मैकडॉनल्ड भी है और सब है। लेकिन हमने ये सोचा है कि हम आज सुबह का आगाज़ देसी नाश्ते से करेंगे, यानी कि हम कोई अंडे चने पराठे वगैरह खाएंगे। तो यहाँ पे एक है रेस्टोरेंट, वहाँ से चने पराठे मिल रहे हैं, तो चलते हैं वहाँ पे जाके चने पराठे खाते हैं और फिर अगला सफ़र शुरू करते हैं। माशाल्लाह जी, मैंने तो वैसे छापा मारा है क्योंकि हम फूड व्लॉगर हैं, खाना खाने जाएं तो फिर जाके देखना तो पड़ता है कि बन कैसा रहा है। लेकिन एक मोटरवे, एक भेरा इंटरचेंज जैसी जगह, यहाँ पे कोई किसी को लिफ्ट नहीं करवाता है। इन्होंने हमें अपना किचन दिखाया है माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? जावेद भाई ने कहा जी आए हमारे किचन का विज़िट करें, और किचन में आके दिल बाग बाग हो गया। पराठे बन रहे हैं, साफ़ सुथरा तवा, साफ़ सुथरा माहौल और नीट एंड क्लीन स्पेस। और उधर हमारे लिए ऑमलेट शॉमलेट बन रहा है, तो अभी नाश्ता बन के आता है फिर पार्टी करते हैं। मैं आपके इनको लुक भी दिखाता हूँ जी। इस रेस्टोरेंट का नाम है भेरे दी था, यानी कि भेरे की में आके आप जहाँ पे बैठ के रेस्ट कर सकते हो। और ये देखें जी कितना ज़बरदस्त इंटीरियर इन्होंने देसी माहौल बनाया हुआ है। ये देख के हमें डोरें याद आ गई हैं, बचपन में हम गुड़ियाँ उड़ाते थे। और ऊपर जी देखें मंजी भी पड़ी हुई है, यानी कि चरपाई, और बड़े इसके जो पाए हैं बड़े रंगदार किस्म के और बड़े आर्टिस्टिक किस्म के बने हुए हैं। और ये देखें इन्होंने ये जो डोर की जो चरखनियाँ होती हैं उससे इसको डेकोरेट किया है। इसको हम पंजाबी में आले कहते थे, जिसके अंदर परिंदे आके अंडे शंडे देते हैं। क्या कहते हैं जी इसको? आले कहते हैं। आले, जिसमें परिंदे आके बैठ के अंडे देते हैं। और ये देखें एक इन्होंने एक इसको टच भी दिया हुआ है, तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का माहौल बनाया हुआ है इन्होंने और इंटीरियर बहुत ज़बरदस्त है। इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने हमें विज़िट करवाया अपना, थैंक यू यार। और बाहर आए तो फिर ये बच्चों की फेवरेट प्लेस, लेस, चिप्स, जूसेस, बच्चे जब साथ हों तो वो इन चीज़ों को छोड़ते ही नहीं है। साथ फिर कॉफ़ी भी पड़ी हुई है, कॉफ़ी का माहौल भी है और ज़बरदस्त इंटीरियर है जी।
ऑर्डर ये प्लेस हो गया है माशाल्लाह, ज़बरदस्त ऑमलेट और चने और साथ ही बेहतरीन किस्म के पराठे, और लड़का भी बेहतरीन ड्रेसअप हुआ हुआ है। और बस अब हम नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद बकौल जैन भाई के एक कप चाय आय हाय करेंगे और फिर अगला सफ़र शुरू कर देंगे। नहीं जी, हम माशाल्लाह भेरा से निकल पड़े हैं। नाश्ता बहुत ज़बरदस्त था, देसी पराठे और ऑमलेट भी बहुत ज़बरदस्त था। और अब भाई आपका लैपटॉप स्ट्रक खोलने लगा है, पावर बैंक लगाता है, अपना मोबाइल चार्ज वगैरह करता है, क्योंकि घंटे डेढ़ या दो घंटे में हम लाहौर पहुँच जाएँगे, उतनी देर में हम अपनी कोई एडिटिंग वगैरह कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग लाहौर पहुंच चुके हैं, मोटरवे से हम एग्जिट करने लगे हैं। और मैं इस छोटे से व्लॉग को अपने को इसी को यहीं पे एंड करेंगे, तो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और बाकी सारी जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी मैच की वो मैं अगले व्लॉग में आपको दिखाऊंगा। तो अगला व्लॉग शुरू करने तक के लिए अज़र रब्बानी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।